Nature and scope of disaster. Taking into consideration, there are different scopes, different ways of disaster, different way of, you know, treating the disaster. Some of the important ones are given over here. The first one is pre-disaster phase. Okay, pre-disaster मतलब अभी तक disaster हुआ नहीं है, तो उसके पहले भी कभी कभी I have told you जरा particular area जहाँ पे एक particular disaster हो सकता है. Okay, many times जैसे अर्थक्वेक प्रोन जोन होते हैं, साइक्लोन प्रोन जोन होते हैं, तो वहां पे कभी भी अर्थक्वेक साइक्लोन हो सकते हैं. तो उसके लिए पहले से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. दैट इज सेड टू बी द प्री डिजास्टर फेज. सो मे बी वहां के जो भी कंस्ट्रक्शंस है वो ऐसे हुए होते हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिजास्टर. अगर आया भी वो डिजास्टर तो उतना डैमेज नहीं होगा. ओके, सो ये कब हो सकता है? व्हेन यू नो दैट इन अ पर्टिकुलर एरिया दिस पर्टिकुलर डिजास्टर हैपेंस सम टाइम और द अदर. व्हेन द थिंग इज नॉट नोन, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बट इफ इट इज नोन देन यू कैन बी प्रिपेयर्ड प्रायरली. ओके, तो ये हो जाता है प्री डिजास्टर फेज. सेकेंड यू हैव इज द वार्निंग फेज. अब ये कब होगा? देर आर, एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास ओनली, देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स जो पहले से ही यू नो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि अभी ऐसा कुछ डिजास्टर होगा क्या, या फिर कहीं और से साइक्लोन्स कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में आ रहा है. जैसे हमको हमेशा थ्रू मास मीडिया, थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन हम लोग को वार्निंग्स मिलता है कि ये दो दिन है या फिर ये एक दो दिन है वहां पे तुम घर पे रहना. There is a chance that the cyclone is going to pass from this area, so it's better you stay at home. That is said to be a warning phase. So, ye phase mein, they try to warn the people in that area so that they stay at home and they take the necessary precautions. Taki damage kam ho. Okay? So, this becomes the warning phase. So, when you have a pre-disaster phase, disaster ke pehle jo precautions aur jo, you know, sab kuch preventions lena hai, wo sab kuch. And then, samjho agar disaster aane wala hai, तो उसके पहले ही वॉर्न कर देना कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो बी रेडी, यू नो, बी प्रिपेयर्ड एंड स्टे काम एंड स्टे एट होम. थर्ड फेज जो होता है वो है इमरजेंसी फेज. इमरजेंसी फेज इज अ फेज व्हेन यू हैव दैट पर्टिकुलर डिजास्टर. सो वो टाइम पे क्या करना है? दैट इज सेड टू बी द इमरजेंसी फेज. व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव अ पर्टिकुलर डिजास्टर हो रहा है, तभी जो क्विक एक्शंस लेने होते हैं, जो तभी जो एडमिनिस्टर करना होता है, दैट कम्स अंडर इमरजेंसी फेज. कि चलो अभी ये हम लोग ने वार्निंग दे दिया, पीपल आर एट होम स्टिल, डिजास्टर तो होने ही वाला है, तो वो टाइम पे व्हाट प्रिकॉशंस, व्हाट एक्शंस अ पर्सन और अ गवर्नमेंट नीड्स टू टेक, दैट इज सेड टू बी एन इमरजेंसी फेज. ओके, अब इमरजेंसी फेज मतलब वो डिजास्टर वाला फेज आ गया, डिजास्टर हो गया. ओके, इट इज डन. अब क्या आएगा उसके बाद? देन यू वुड बी हैविंग रिहैबिलिटेशन फेज. तो अब जो भी चीज टूट फूट गई है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, उसको फिर से नॉर्मल करना है. उसके पहले, सी, उसके पहले देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी पीपल, मे बी उनका घर टूट गया हो बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर या फिर कुछ और हो गया, तो उनको पहले रिहैबिलिटेट करना है, उनको ऐसे सेंटर्स में डालना है जहां पे उनका ध्यान रखा जाए. So that becomes a rehabilitation phase. Okay, in that phase, जो people जो अटक गए हैं, जिनको कुछ चोट लगी है, जो injured हो गए हैं, जिनका कुछ घर का issue हुआ है, whatever. In short, you have to, the government or the जो भी वहाँ के जितने भी volunteers है, they have to take these people to a safe place, a rehabilitation center. तो वो हो जाता है rehabilitation phase to find out what was the damage and who were the victims of the particular disaster. After the rehabilitation phase is done, then comes a phase called as a recovery phase. Recovery phase mein, you have to recover everything. Matlab, you have to understand ki kahan pe kitna damage hua, ab kaise usko phir se normal kar sakte hai. So you have fundraising and everything. To wo aata hai sab iske andar, recovery phase. And the last comes is the reconstruction phase. When the word comes reconstruction, again constructing. To jo bhi toot gaya hai, usko phir se construct karo. मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, वाटर पाइपलाइंस हो, घर हो, ब्रिजेस हो, एवरीथिंग. ऑफकोर्स इट टेक्स टाइम टू रिकन्स्ट्रक्ट एवरीथिंग, बट दिस इज दैट फेज कॉल्ड एज अ रिकन्स्ट्रक्शन फेज. तो ये छह फेज होते हैं फॉर अ पर्टिक्युलर डिजास्टर. यू हैव अ प्री डिजास्टर फेज व्हेन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, द पर्सन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर, टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस. सेकेंड इज अ वार्निंग फेज. ओके,
सो अ वार्निंग हैज बीन गिवन टू स्टे एट होम टू बी काम, वो हो जाता है वार्निंग फेज. थर्ड कम्स द इमरजेंसी फेज व्हेन द एक्चुअली द डिजास्टर इज हैपनिंग. देन कम्स द रिहैबिलिटेशन फेज व्हेन द विक्टिम्स आर सेंड टू अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो शांति से रह सके, उनको खाना पीना सब कुछ मिले. देन कम्स द रिकवरी फेज, ओके, एंड लास्ट कम्स द रिकंस्ट्रक्शन फेज अगेन टू रीबिल्ड एवरीथिंग. तो ये हो जाता है द डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर. ठीक है, लेट्स गो अहेड. नाउ अगर हम इस पे ध्यान देते हैं देन मेनली थ्री एस्पेक्ट्स, देयर आर मेन थ्री एस्पेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजंस. तो वो तीन एस्पेक्ट्स पे हम ज्यादा बात करने वाले हैं, ज्यादा उसके बारे में यू नो वी आर गोइंग टू हैव अ नॉलेज ऑन दैट. सो व्हाट आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स विच आर वेरी कॉमन फॉर सिटीजंस ड्यूरिंग अ डिजास्टर. तो वो थ्री एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट एस्पेक्ट जो है, जो फर्स्ट एस्पेक्ट इज द फेज ऑफ इमरजेंसी, दैट इज द मेन फेज जब डिजास्टर हो रहा है. ओके, ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू हैव अ बिग यू कैन से इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन सिटीजंस. ओके, तो वो हो जाता है फेज ऑफ इमरजेंसी. अब व्हाट हैपेंस इन फेज ऑफ इमरजेंसी, द पर्सन जो भी वहां पे रह रहे हैं उनको ये पर्टिकुलर डिजास्टर हो रहा है, समझो अर्थक्वेक का एग्जांपल ले, सबसे सिंपल मतलब ये सबको पता है. ओके, सो अर्थक्वेक अगर समझो हो रहा है, दैट इज अ फेज राइट नाउ. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दे ट्राई इन सच अ वे कि मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड. हाउ? बाय क्विक एक्शन. उसके लिए द पर्सन हैज टू बी रेडी प्रायरली, उनको पता होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो कैसे अपने आप को बचाना है. उसके लिए देर हैव बीन मेनी एजुकेशनल यू कैन से यू नो एजुकेशन दिए जाते हैं मास मीडिया के थ्रू, स्कूल्स में आके या दूसरे थ्रू जहाँ पे ये अर्थक्वेक ज्यादा होता है कंटिन्यूसली, दैट हाउ टू बी सेफ इन अ पर्टिकुलर डिजास्टर. तो ये है मेन फेज ऑफ इमरजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है खुद को बचाना है, खुद को सेफ रखना है. ओके, एंड वो भी क्विक एक्शंस होना चाहिए. यू कांट थिंक दैट मच एट दैट टाइम कि अभी मैं क्या करूँ, शॉक में नहीं होना चाहिए. द पर्सन शुड बी वेरी मच यू नो फास्ट इन टेकिंग डिसीजंस. वेरियस एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एंड मेडिकल असिस्टेंस, ये सब कुछ भी दिया जाता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ इमरजेंसी. फर्स्ट ट्राई टू बी सेफ, सेकेंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं टू फाइंड आउट. समझो यहाँ पे यू कैन सी अर्थक्वेक हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड कि कोई उसके अंदर दबा हुआ तो नहीं है. तो ये हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन टू फाइंड पीपल हुआ मिसिंग. ओके, आफ्टर फाइंडिंग देम यू हैव टू गिव फर्स्ट एड. तो यहाँ पे यू कैन सी उसको फर्स्ट एड दिया गया है. जो भी इंजर्ड पीपल होते हैं, जो भी इंजर्ड लोग हैं, उनको पहले निकालते हैं वहां से फ्रॉम दैट अर्थक्वेक जोन, एंड देन ऑफकोर्स उसको फर्स्ट एड या फिर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो सब देते हैं. So this becomes a phase of emergency. ये आगे पीछे वही चल रहा है. After phase of emergency is during the disaster and उसके थोड़े से बाद what to do. Okay, so that time you have to first make the prepare, make the people ready. They have to try to save, you know, safeguard themselves to try to maximum life safe हो, वो देखना है इसके अंदर. सेकेंड देखना है कि जो भी लोग, जो भी victims है उनको वहां से बाहर निकालो, rescue करो, उसके बाद उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सब कुछ करो. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग व्हिच हैपेंस ओवर हियर. आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल दीस थिंग्स आर डन, यू हैव टू रिस्टोर बैक ऑल द कम्युनिकेशंस एंड द ट्रांसपोर्टेशंस. जो टूट गया है, तो जो भी कम्युनिकेशन टूट गया था है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन रोड्स का जो भी इश्यू हुआ है, वो धीरे धीरे यहाँ पे रिस्टोर करना है. यहाँ पे शुरू नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, पर वो यहाँ पे शुरू नहीं होता, इट टेक्स टाइम. पहले द मेन थिंग इज कि वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस फेज हाउ मेनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड. वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर. यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब होता है कितना सीवियर था ये डिजास्टर. ओके, एज आई टोल्ड यू, डिजास्टर का भी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, कभी कम कभी ज्यादा. तो सबसे पहले ये फेज में, आफ्टर दिस फेज इज ओवर, जो होता है मेन कैलकुलेशन वो ये होता है कि हाउ मेनी पीपल वर इंजर्ड एंड हाउ मेनी वर डेड एंड वॉट वर द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो दैट इज इन शॉर्ट what is the gravity, what is the severeness of the particular disaster. तो वो इसके अंदर आएगा सब कुछ. After finding out the severity, now you can think कि आगे अभी क्या करना है. Okay, so this was the main phase, phase of emergency, जहाँ पे लोग को safeguard करना है, जो victims है उनको बाहर निकालना है, उनको medical treatment देना है. After that is done, find out what is the severity of a particular disaster and then try to find out the new steps, आगे का steps. Okay, this was the phase of emergency.
Next phase is called as a transitional phase. When the word comes transition, it means changing. Okay, अब हमें जो भी डिजास्टर हुआ है उसका जो भी डैमेज हुआ है वो डैमेज को फिर से नॉर्मलाइज करना है. यू हैव टू चेंज द फेस. ओके, तो अब फिर से वो सब कुछ नॉर्मलाइज करना है. दैट बिकम्स अ ट्रांजिशनल फेज. यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और वो सब का काम शुरू हो जाएगा. जो भी पैनिक्ड है सिटीजन्स, उनको शांत करो, उनके लिए खाना पीना सब कुछ अरेंज करो. तो वो सब इसके अंदर आता है. ओके, तो रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड and any you know any help, any subsidence of any type of disaster is given over here. It includes the clearing of the debris. I have told you last class, debris ka matlab hota hai dead bodies. Okay, to again jo bhi dead bodies ho usko clear karo, chahe animals ke ho, humans ke ho. Okay, then restoring water supply. Ye sab maine last class bataya tha ke aise aise phase aate hain. So this is what you have to understand in detail. They can ask you a short note. Okay, what is the meaning of transitional phase or what is the meaning of emergency phase. So thode se 3-4 points ka hoga ye, bahut bada question nahi aata, but still 2 marks 3 marks ke liye aa sakta hai. So what you need to write down over here is that in transitional phase you have a rehabilitation work is going on. Matlab again sabko normalize karna hai. Jo bhi disaster hua hai uske baad ka phase hai ye. Okay, jo bhi victims hai usko dhoondo, jo dead bodies hai unko, unka jo bhi आगे का प्रोसीजर है वो सब करना है. आफ्टर दैट वाटर सप्लाई, रोड रिपेयर्स, ये सब होता है इसके अंदर. तो जो भी डिजास्टर हुआ है उसके उसके बाद जो भी उसका सिवियरिटी है उसको कम करना है. इन शॉर्ट, ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू द सर्वाइविंग पीपल. इन शॉर्ट, आफ्टर द डिजास्टर वी हैव टू ब्रिंग अबाउट नॉर्मलसी. आई टोल्ड यू सब कुछ नॉर्मल करना है. जो डिजास्टर हो गया है उसके बाद सब कुछ नॉर्मल करना है. To do it, this phase is to bring normalcy in public life. Okay, rehabilitation of the victim is important aspect of this phase. And yahan pe you can see that there are people jinka agar jinko mental trauma hua hai to unko support karna hai. So hence it helps to soothe the mental stress of the people. Okay, and of course you have to take the medical care of the people as well. So you can see over here that different types of roads are constructed over here. Okay, and ultimately road construction ho raha hai, uske baad jo bhi medical help dena hai wo sab hota hai ye phase ke andar, to come make the life go back to normal. This is the main type. Transitional phase is a phase jahan pe life has, we are trying to you know have the normalcy in the life of the people, to have to again get back to normal in short. And to have a normal society, मतलब वो water supply वो सब कुछ फिर से normal कर दिया जाए, तो ये phase में आता है. Okay, अब इसके बाद का जो phase है वो सबसे बड़ा phase है, जिसको हम बोलते हैं reconstruction phase. As the word comes reconstruction, तो of course you have to build whatever things were destructive, which were completely destroyed. तो in transitional phase हम still small things पे concentrate कर रहे हैं. रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई है या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर है, मतलब इन शॉर्ट वी आर स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सिटीजंस कि उनको पहले नॉर्मल कर दो. अब जो बाकी सब टूट फूट गया है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, कनेक्टिविटी है, जितना भी मेन मेन बड़ा बड़ा, वो सबको अभी फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना है. इन शॉर्ट फिर से एक नया सिटी जैसा कुछ बनाना है. जो पूरा खंडर हो गया है उसको फिर से नॉर्मल बनाना है. दैट कम्स अंडर रिकन्स्ट्रक्शन फेज. ओके, this is a highly complicated phase as I told you, because isme bahut kuch dhyan rakhna hai. Isme money comes a very important part, because agar economy nahi hoga to ye phase ko bahut time lagega to again construct everything. Uske liye paisa chahiye, jiske liye funds hote hain. So this is a highly complicated phase. This phase begins in the transitional phase only, so towards the end, transitional phase ke end mein hi ye shuru ho jayega. And people construct their buildings and facilities like roads and water supply. Again, perfectly वो construction शुरू होता है. Farming practices, अगर समझो ये गांव के area में कहीं पे हुआ है तो farming practice फिर से शुरू करनी है. Okay, but as I told you, reconstruction phase is not a very small phase. It's a very long phase, because it depends upon many factors. The working of the people, the availability of money, वो सबके ऊपर depend करता है कि reconstruction phase को कितना time लगेगा. There are times के फटाफट भी reconstruction हो जाए, and there are times जिसमें बहुत time लगता है to reconstruct back.
Okay, so hence, as you can see over here, bridges are again reconstructed, farming practices हो रहा है, बट ये सबको टाइम लगता है टू रिकंस्ट्रक्ट. अब अगर हम बात करते हैं अर्थ की, ऑफ कोर्स एज वी आर लिविंग ओवर हियर, अर्थ में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि एक या दो, देर आर डिफरेंट टाइप्स, कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है. सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर. मोस्टली अगर हम बात करते हैं कहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोस्टली इन द एशियन कॉन्टिनेंट, ओके, जहाँ पे हम रहते हैं, एंड ऑल्सो द रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन. तो वो रीजन में ज्यादा कैलामिटीज रिकॉर्डेड हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज. तो अदर एरियाज में भी होता है, बट ये एरिया में ज्यादा होता है. हेंस बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके, अब द थिंग इज, जरूरी नहीं कि हर बार जो नेचुरल कैलामिटी होता है उसका रीजन भी नेचुरल ही हो. देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कभी कभी मैन मेड एक्शन से भी नेचुरल कैलामिटीज जैसा कुछ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ माइनिंग, ओके, माइनिंग इज अ थिंग जिसमें हम लोग फ्रॉम द ग्राउंड वी टेक आउट द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड ऑल. तो उसके लिए माइनिंग के वक्त देर आर, अगर बहुत डीप माइनिंग करना है तो डायनामाइट्स जो होते हैं, बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको ब्लास्ट करते हैं. सो दैट पर्टिक्युलर एरिया इज ब्लास्टेड एंड अंदर का जो भी जो भी मटीरियल्स है, मिनरल्स है, वो आराम से हम ले सके थ्रू माइनिंग. अब जब ऐसा कुछ करते हैं तो ऑफकोर्स वी आर ट्राइंग, वहाँ के जो एरिया है, वहाँ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, उसके साथ भी हैम्परिंग होता है. देर मे बी अ चांस बिकॉज ऑफ डायनामाइट ब्लास्टिंग कहीं पे, इन दैट एरिया इट कैन लीड टू एन अर्थक्वेक. ओके, सो ये एक इश्यू हो सकता है. तो अर्थक्वेक वॉज अ रीजन बिकॉज ऑफ माइनिंग. सो हेंस देयर आर सर्टेन ह्यूमन थिंग्स ऑल्सो यू नो विच कैन लीड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर. अगर हम बात करते हैं फ्लड्स की, तो फ्लड्स को रोकने के लिए वी हैव टॉल ट्रीज. बट अगर टॉल ट्रीज ही कट कर दिए, अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, अगर ट्रीज ही नहीं है फ्लड्स के पानी को रोकने के लिए, तो ऑफकोर्स वो जो नियर बाय के विलेज है वो सबको इफेक्ट होने वाला है. तो नेचुरल कैलामिटी हुआ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ मैन मेड थिंग्स. अगर वो नहीं करते तो मे बी वो इम्पैक्ट कम होता. ओके, वी बिल्ड बिग बिग डैम्स सो दैट हमें वो डैम का जो भी पानी है वो इरिगेशन वो सब में यूज होता है. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू टू मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल द डैम्स गेट कम्प्लीटली फुल. अब उससे ज्यादा वो कैपेसिटी नहीं है पानी डैम का टू स्टोर द वाटर, एंड हेंस वो डैम का जितना भी पानी है उसको निकालना पड़ता है. उसके वजह से उसके आजू बाजू जितने भी विलेजेस है वो सब वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं. तो क्या हुआ इसमें? अगेन द लॉस ऑफ लाइफ, एंड ऑफकोर्स उसके पहले वो सब लोग को बोलते हैं निकलने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी का तो लॉस हो ही गया ना. सो हेंस देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन डिजास्टर्स जिसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रीडी नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ओके, दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग न्यू, बट उसके वजह से बाकी सब इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं. तो हेंस जो इम्बैलेंस आता है अर्थ में, या फिर जो कैलामिटीज होता है, उसका इम्पैक्ट कभी कभी इसलिए भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. हमको बड़ा बनना है, हमको मोस्ट पावरफुल बनना है इन द वर्ल्ड. ओके, बट उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इफ वी से राइट नाउ वी से यूएस इज वेरी मच, यू कैन से मोस्ट इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड मोस्ट पावरफुल नेशन ओवर हियर. व्हाई? Because we have, they have high amount of nuclear weapons and everything. तो हमको भी बनना है, तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं. न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हमको न्यूक्लियर टेस्टिंग करना है. न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के वक्त there can be a problem. It can blast. And अब अगर वो blast हो गया तो जो भी वहां के रहने वाले inhabitants है वो सबकी हालत खराब. तो ये क्या हुआ? ये मैन मेड हुआ ना, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग. हमने ही कुछ गड़बड़ किया, बिकॉज ऑफ दैट एवरी वन इज सफरिंग ओवर देयर. यही आगे ये वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द शर्नोबाइल जो मैंने लास्ट क्लास बताया था, तो उसमें कितना इम्पैक्ट हुआ था. ओके, इट वाज द हेंस न्यूक्लियर रेडिएशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजास्टर. आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत 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 टाइम तक रहता है. तो ये सब जो ग्रीड्स है उसके वजह से और इश्यूज होता है. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. अदर देन दैट देयर हैव अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ये इंक्रीज पॉपुलेशन जो है उसके वजह से भी इश्यूज आते हैं.
यू हैव मेनी डिजास्टर्स जो वर्ल्ड वॉर की वजह से भी आ सकते हैं, एंड अदर देन दैट वी हैव अदर इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेसेस. तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, ये है वॉर, ये है रेस. ओके, ये बहुत आज भी ये प्रॉब्लम्स है, ब्लैक वाइट. ओके, अभी भी यूएस में हुआ था थोड़े टाइम पहले, बिकॉज ऑफ दैट बहुत मारा मारी और बहुत इश्यूज हो रहे थे वहां पे. तो ये रेसेस का इश्यू है, उसके वजह से भी इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये बड़े बड़े कैलामिटीज को छोड़ के छोटे छोटे भी है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम होता है. सो बिग बिग वंस आर देयर, और छोटे भी है जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब अमीर, रेशियल डिफरेंसेस, वाइट पीपल थिंक दे आर सुपीरियर देन द ब्लैक वंस, तो उसके जैसे इश्यू होता है. रिलीजियस डिफरेंसेस आता है, बहुत सारे दंगे फसाद हुए इन द नेम ऑफ रिलीजन. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टेररिज्म, अबडक्शन, किडनैपिंग, वॉट एवर लाइक दैट. ओके, एंड देन यू हैव सोशल डिफरेंसेज, सेम सोशल डिफरेंसेज, गरीब अमीर, कास्ट डिफरेंस, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया. So even these are the different, of course they do not have that much of impact, depends upon the particular area mein hota hai ye, lekin even this causes loss of life and property. So hence ye sab bhi ek type of calamity jaisa hi ho jata hai, disaster jaisa hi ho jata hai, chahe wo, lekin ye kya hai, ye man made hai. Okay, aage. Production and use of harmful chemicals is under ban in developed countries. डेवलप्ड कंट्रीज में बैन में है, डेवलपिंग कंट्रीज में हार्मफुल केमिकल्स अभी भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज में इट इज अंडर बैन, बट राइट नाउ डेवलपिंग में कहीं ना कहीं यूज होते हैं. हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ आइदर सेम ऑफ दोज केमिकल्स विच कैन वाइप आउट ह्यूमन रेस इज कॉमन इन डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. आई जस्ट टोल्ड यू डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट वॉन्ट टू यूज सच थिंग्स, वहां पर बहुत ही मिनिमम में होता है, लेकिन अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, वहां पे ये हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं. ओके, बेचे जाते हैं, सब कुछ होता है. ओके, पैसा ज्यादा मिलता है, बट दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, विच कैन ऑल्सो हैव अ चांस ऑफ वाइपिंग आउट द ह्यूमन रेस, मतलब अगर वो उसका कंट्रोल नहीं हुआ तो. सो ऐसे सब चीजों को भी बैन करना चाहिए जो सब नेशंस फॉलो नहीं करते. तो ये सब जो मैंने अभी इसमें जो पढ़ाया, ये पूरा okay, it is completely man-made disasters, जो मैन के ग्रीडी नेचर के वजह से होता है. ओके, या फिर उनको पावरफुल बनना है उसके वजह से ये डिजास्टर्स होते हैं, या फिर इकोनॉमी स्टेबल करना है उसके वजह से ये डिजास्टर होते हैं. डेवलप्ड और पहले से ही स्टेबल ना, उन डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब ये होता है कि दे आर स्टेबल, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ इकोनॉमी, तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है टू फाइंड आउट स्मॉल केमिकल्स, यू नो, जो जिसके पैसे ज्यादा, लेकिन विच आर वेरी वेरी हार्मफुल. बट जो पुअर कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीकन की, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ही पुअर है. ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट आर कंट्री विच इज डेवलपिंग, सो एंड देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो विच आर डेवलपिंग, तो कहीं ना कहीं मे बी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन द पुअर कंट्रीज, ऐसे सब केमिकल्स के यूज होते हैं विच कैन हैव हाई अमाउंट ऑफ मनी, बट इट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन रेस. Okay, so this is about all the man-made disasters, like you have world war, economic inequality, social problems, race ka problem, black white. Okay, ye sab ke wajah se bhi there is loss of life and property. So this was the different. Uske pehle humne jo padhe wo the different three phase. Achhe se usko important mark kar do apne textbook mein. Phase of emergency, phase transitional phase, and then you have reconstruction phase. Okay. Now, after that, let's go ahead. Okay, now in your textbook, you have this picture. वहीं से लिया है ये. So if you can look at this image very clearly, you can see यहाँ पे कुछ हो रहा है. This is landslide. Okay, तो यहाँ का जो ये land था, ये पूरा, you can see यहाँ पे देखो, ये mountain जैसा area है. Okay, ये पूरा ये area यहाँ से slide हो गया है. This is said to be the landslide. ये कहाँ पे हुआ था, ये कब हुआ था, फाइदर वे 2014 में देर वॉज अज लैंड स्लाइड इन द विलेज मलिन इन एम्बेद गांव. ओके, इन द डिस्ट्रिक्ट पुणे. सो फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ द स्कूल रिकंस्ट्रक्टेड आफ्टर द डिजास्टर. दिस वॉज द स्कूल विच वॉज अगेन डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द लैंड स्लाइड.
आफ्टर दैट फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था. ओके, तो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजास्टर. अब इससे भी बड़ा जो हमने पढ़ा था, दैट इज द चेर्नोबिल डिजास्टर. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिजास्टर. लास्ट क्लास मैंने बताया था अबाउट दिस डिजास्टर. अब अगर मैं बात करती हूँ अबाउट चेर्नोबिल डिजास्टर, ये हुआ था इन 26th ऑफ अप्रैल इन द ईयर 1986. ओके, बहुत टाइम हो गया है डिजास्टर को. और ये हुआ था इन द यूक्रेन, दैट इज रशिया वाले एरिया में हुआ था ये. अब यहाँ पे बिकॉज द पीपल वर नॉट स्किल्ड, जब ये यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग के वजह से, जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, जो पीपल थे, जो जहाँ वहाँ के जो लोग थे, दे वर नॉट स्किल्ड. बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज रिलीज्ड. ओके, सो स्टार्टिंग में इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ता है ऑफ एनी न्यूक्लियर डिजास्टर. तो ये हुआ बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज रिलीज. जो नज़दीक के लोग थे, जो उनके जो उसको सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, वो लोग स्टार्टिंग में मरे, आफ्टर सर्टन टाइम के बाद मरे. आफ्टर दैट ये जहाँ पे हुआ था वहाँ के जितने भी लोग थे उनको वहाँ से निकालना पड़ा. ओके, इन आई कैन से अराउंड, ये जब एक्सीडेंट हुआ उसके 36 आवर्स, ओके, उसके ही रेंज में अराउंड 49,000 पीपल को वहाँ से निकालना पड़ा. आफ्टर दैट उसके और बाद अराउंड 68,000 पीपल को वो एरिया में से निकालना पड़ा. 19 माइल का जो 30 किलोमीटर का जो रेडियस था उसमें से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, रेडिएशंस जो होते हैं दे कैन ट्रेवल फास्ट, दे कैन पेनिट्रेट फास्ट इन टू द बॉडी एंड दे कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन द DNA. एंड DNA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. तो अब उसके वजह से स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, धीरे 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 बिकॉज ऑफ द रेडिएशन अलग अलग डिजीजेस होते हैं. सो ये जब डिजास्टर हुआ तो ये इतना फैला, अराउंड 30 किलोमीटर्स तक ये फैल गया. तो वहां पे जितने भी लोग रहते थे वो सबको वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा. कैन आई से उनको हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा. इट वॉज कम्प्लीटली लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लस लॉस ऑफ लाइफ. अब जाके धीरे धीरे वो जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट वहाँ पे कम हुआ है. स्टिल वहाँ पे इतना रिहैबिलिटेशन हुआ नहीं है बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज वेरी वेरी हार्मफुल. ओके, वहाँ पे जो लोग अफेक्ट हो गए थे, जिनको ये रेडिएशन से वो लोग यू नो अफेक्ट हो गए थे, उनको अलग अलग, मोस्टली उनको थायराइड कैंसर और वो सब कुछ हुआ, जिसके वजह से इवन दे डाइड. सो दिस डिजास्टर is one of the massive disaster which caused loss amount of life as well as property and pura wo jo area tha usko completely evacuate karna pada. Okay, so now over here ye atomic energy hai, irradiation hua tha, leakage occurred, a blast in the atomic energy plant in Chernobyl, as I told you Russia mein aata hai ye. The ill effects are still experienced. I just told you ki abhi bhi wahan pe completely rehabilitation nahi hota hai. Because still उसका जो side effects है, ill effects है, still experience in that particular region. This atomic energy plant वो किसके लिए बना था पता है? Atomic energy plant for the electricity generation. Okay, in this in 10th standard only you have a chapter called as the green energy. उसमें अलग 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 ways से electricity generate होता है. उसमें से एक way है to use nuclear power plant to generate electricity. ओके, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट का यही प्रॉब्लम है कि दैट द पर्सन हु आर हैंडलिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी स्किल्ड, शुड हैव द नॉलेज. उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ, इट कैन लीड टू हाई अमाउंट ऑफ चेन रिएक्शन विच कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो पूरा ब्लास्ट हो जा सकता है, पूरा रिएक्टर ब्लास्ट हो सकता है. ओके, तो ये सेम हुआ था वहां पे. इट वॉज यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पीपल वर नॉट दैट स्किल्ड, दे डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज इट, विच लेड टू अ ब्लास्ट. Okay. Many countries are equipped with atomic energy nowadays. Out of this, risk of radiation leakage is increasing due to carelessness. So as I told you, carelessness का मतलब वही होता है, the people are not skilled, they have no, they do not have that much of knowledge which are required, and hence अगर leakage हुआ radiation का, तो वहां के आजू बाजू के जितने भी लोग है, गांव है या फिर cities है, वो damage हो सकते हैं. How? Not of course blast भी होगा तो उसमें भी damage होगा, और जो radiation है
अगर वो पेनिट्रेट किया बॉडी के अंदर, इट कैन लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. एंड ऐसा नहीं कि उनको ही होगा, उसके आने वाले जनरेशन को भी हो सकता है, बिकॉज इट डायरेक्टली हैम्पर्स विद द डीएनए एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी. ओके. Importance of disaster management has become a very important foremost need of almost all the nation. So, agar nuclear weapons bana rahe hain, the person should have a complete knowledge of that and how to control the nuclear weapons or fir nuclear reactor. That is a very important thing. Okay. Now, this is the Chernobyl, jahan pe disaster hua tha. Ye hai wo nuclear power plant. Let's go ahead. I hope यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. ओके, यू शॉर्ट नोट आ सकता है इसके अंदर. तो वॉट इज दिस, जस्ट आस्क यू राइट अ नोट ऑन Chernobyl डिजास्टर. तो ये चार पांच पॉइंट्स शुरू में तो लिखने हैं. अब जो ये डिजास्टर होता है उसके वजह से सबसे ज्यादा कौन इसको प्रॉब्लम होता है, वो है वहाँ के जो भी लोग रहते हैं. तो उसके लिए यू हैव टू हैव सर्टेन प्रिकॉशंस. इसलिए आई हैव टोल्ड यू दैट जब ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करना होता है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे लोग नहीं रहती. ओके, मे बी इन द डेजर्ट एरिया, मे बी इन सच एन एरिया जहाँ पे लाइफ नहीं है, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहता. तो हैंस उससे डैमेज कम हो, अगर कोई मिसहैप हुआ भी तो डैमेज कम हो. ओके, लेट्स गो अहेड. Now I'm going to learn about disaster management. Now, disaster जो होता है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, depend करता है. It should be overcome and effective disaster management is necessary. तो अब वो disaster को कैसे manage करना है, कैसे उसको कैसे होने से अगर रोक नहीं सकते तो कैसे minimize करना है. There's a close relationship between disaster management and public participation. ओके, तो अब जितना पब्लिक पार्टिसिपेट करेगा उतना ही वो डिजास्टर का जो भी इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा. ओके, सो जितने वॉलंटियर्स होंगे जो वो पर्टिकुलर डिजास्टर से अपने आप को तो बचा लिया है, किसी और को भी हेल्प करेंगे, तो जितना पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा उतना वो जो इम्पैक्ट है डिजास्टर का वो कम हो जाएगा. डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ द डिजास्टर, अगर हो सकता है तो प्रिवेंट करो डिजास्टर को, अगर नहीं हो पाता है प्रिवेंशन देन मेक सर्टेन अरेंजमेंट टू फेस द डिजास्टर. ओके, देयर आर सर्टेन डिजास्टर विच वी कैन प्रिवेंट. ऐसा नहीं है मैनमेड डिजास्टर्स है जो प्रिवेंट हो सकते हैं. ओके, देयर आर मेनी कंट्रीज जो आजकल वॉर नहीं चाहते बिकॉज दे नो अगर वॉर के में एंट्री हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा. तो ये सब डिजास्टर्स है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज यू नो कि आगे जाके बहुत लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, उसके अच्छा वो डिजास्टर ही नहीं चाहिए, वो करना ही नहीं है. बट जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए वी शुड बी कंप्लीटली रेडी टू फेस इट. वी शुड नो वॉट टू डू इन दैट पर्टिक्युलर डिजास्टर. ओके, डिजास्टर इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस. इन फैक्ट इट इज एन एक्सीडेंट, ये हम लोग ने पढ़ लिया है. तो इट्स अ कैलामिटी लाइक स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट शॉल वी डू इन सच सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, आवर बिलोंगिंग्स एंड एनिमल्स, एंड देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस. सो हेंस ये सब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का मुझे तुमसे आंसर चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट शॉल वी डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन. हम जो कोई डिजास्टर आता है, अब मुझे तुमसे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए दैट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर डिजास्टर देन व्हाट विल यू डू. ओके, वी हैव टू बी काम, डू नॉट पैनिक. अगर अर्थक्वेक आया तो ओके, डक अंडर द टेबल इन वन ऑफ द कॉर्नर, सेंटर में नहीं, कभी भी टेबल के कॉर्नर में कहीं पे भी वो उसके जो लेग्स है उसको पकड़ के रखो ताकि उसका ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, या फिर गो टू एन ओपन ग्राउंड. कभी कभी इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि समझो कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है, ऑफकोर्स यू आर ट्रैप्ड, यू कैनॉट गो टू द ओपन ग्राउंड. अगर बिल्डिंग में हो तो बिल्डिंग में ही रहो, लेकिन
टेबल के नीचे चले जाओ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम बिल्डिंग टू द ओपन ग्राउंड एंड अर्थक्वेक इज हैपनिंग, तो कुछ पिलर विलर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसके. अच्छा, इट इज बेटर टू स्टे वेयर द पर्सन इज एंड टू फाइंड अ सेफ प्लेस इनसाइड द हाउस ओनली, जब तक अर्थक्वेक है तब तक. ओके, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट टू डू. ओके, अगर ऐसा कुछ डिजास्टर हुआ तो. सेकेंड इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर सेल्फ, तो हो गया आर बिलोंगिंग्स एंड एनिमल्स. कम ऑन, थिंक अबाउट दिस एंड आंसर. ओके, वी शुड हैव इमरजेंसी डोर्स, लेकिन बिल्डिंग्स में ओके फाइन, कभी कभी हो सकते हैं. और कुछ? ओके, अगर हम बात करते, समझो फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल्स की बात करते हैं, तो देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पे एनिमल्स को टाई करके रखते हैं, तो वो मत करो. ओके, ट्राई टू फर्स्ट उनको भी, बिकॉज इवन दे उनको भी बचाना है, उनको एनिमल या सो एटलीस्ट फ्री द एनिमल्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ट्राई टू सेव देमसेल्व्स. या सम एनिमल्स डू कम टू नो अबाउट डिजास्टर प्रायरली देन ह्यूमंस. ओके, तो वो लोग भी हमको अलग अलग तरीके से बताते हैं बाई बार्किंग और समथिंग, कि भाई कुछ होने वाला है. या ओके, सो ये हुआ अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट. और एक चीज, चलो एंड दिस क्वेश्चन अगेन टू यू, हाउ कैन वी मिनिमाइज द यू नो हाउ कैन वी मिनिमाइज हाउ कैन वी बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डिजास्टर एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट. Question is how can we minimize the impact to and be completely prepared? Yes, the answer is mock drill. We should be ready. How? By using mock drill. What is mock drill? जैसे 10th में you have your main exams, right? उसके पहले ना तुम्हें classes में या फिर school में prelims जैसे exams होते हैं जहाँ पे पूरा portion आएगा and it is the environment is created as if you are actually sitting in a इन द बोर्ड एग्जाम. तो वो जो एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट क्रिएट होता है, सेम पूरा बोर्ड जैसा ही मेथड होता है, दैट इज नथिंग बट अ मॉक ड्रिल. ओके, मॉक ड्रिल में यू आर फेसिंग द डिजास्टर इन अ पर्टिकुलर वे विच इज कम्प्लीटली प्लान्ड. ओके, इट इज नॉट अ एक्चुअल डिजास्टर, इट इज जस्ट अ प्लान्ड डिजास्टर, ताकि पता चले कि अगर क्या करना चाहिए वो टाइम पे. दैट इज मॉक ड्रिल. तो जैसे इसको एग्जाम्स के पहले यू हैव अ You can say up, you know, mock drill type thing, के भाई यहाँ पे exams है, वो same environment दिया है, तो वैसे ही same कोई भी mishap हो, कोई भी calamity हो, अगर वो उसके पहले एक mock drill होता है to make the person ready. समझो for example earthquake का mock drill दे रहा है, तो अगर वो the people will give a knowledge about कि earthquake आया तो क्या करने का, so they will tell you go and sit, go and run and go and go behind the table, below the table and वैसा. तो वो सब mock drill होता है. So to get ready for a particular calamity by a pre-planned structure. Samjha? Yeah, to educate people more. So wo ho jata hai. Wo same hoga. Education hota hai through mass media. So uske through education kar sakte hai. And agar hum mock drills ki baat karte, to mock drills ke liye physical presence hona important hai. Ye education mass media ke through hota hai, wo alag hai. Wo baith ke hum sun lete hai. Mock drill is a physical thing. कि तुम्हें वो तभी करना है. सो इन दैट वे द पर्सन इज मोर नॉलेज, उसको ज्यादा नॉलेज होता है, वो ज्यादा इक्विप्ड हो जाता है. एंड अगर समझो एक्चुअल में अगर वो कैलामिटी आया, देन द पर्सन इज काम, बिकॉज उसको पता है कि वो टाइम पे क्या करना है. वैसा, सो दैट बिकम्स मॉक ड्रिल, अ प्री प्लान्ड वे टू फाइंड अ वे इन अ पर्टिकुलर डिजास्टर. ठीक है, फाइन. सो यहां तक कर लिया है, नाउ लेट अस गो अहेड अगेन. Schools actually should give mock drills, but depend करता है. For example, अगर particular area में कोई calamity इतना हुआ ही नहीं है, then the schools are not interested in giving that mock drills. But अगर जो particular calamity prone areas होता है, वहाँ पे दिया जाता है mock drills. अगर वो समझो calamity होता ही रहता है, कभी भी हो सकता है again and again, तो वहाँ पे mock drills देते हैं. Okay, so again, let's go ahead. डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया. ओके,
ना उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इज अचीविंग और टाइम टू टाइम इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर, इसको ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलेंगे. एक बार जब समझो पहली बार हुआ है तो द फर्स्ट पीपल आर स्केयर्ड, डू नॉट नो व्हाट टू डू, बट अगर समझो वो एक एरिया में डिजास्टर कंटिन्यूसली होता है देन द पीपल नो ना कि क्या करना है, तो उसको ही मैनेजमेंट बोलते हैं. Now the people know what to do and even the government knows what to do and they will try to make, वो भी एक important चीज है, they will try to make structures, buildings, bridges in such a way कि अगर वो disaster हुआ भी तो impact कम होगा. अभी जो बड़ी बड़ी buildings होती है okay, उनमें वो earthquake proof होता है okay, समझो इतनी बड़ी building है और इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर अब जो अर्थक्वेक में पूरा क्रश हो गया तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं और जो इतना एक्सपेंस हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए वो सब कुछ वेस्ट. तो हेंस व्हेन यू हैव वेरी बिग बिग बिल्डिंग्स दे आर मेड अर्थक्वेक प्रूफ, सो इवन इफ अर्थक्वेक कम्स द बिल्डिंग विल नॉट फॉल, दैट इज सेड टू बी अ डिजास्टर मैनेजमेंट. समझा ओके. व्हेन एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज बनाते हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, तो तभी भी बहुत सारा वो लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स ध्यान में रख के बनाते हैं. ऐसा ही नहीं कि चलो मन हो गया और बना दिया. दे हैव टू सी द विंड वेलोसिटी, दे हैव टू सी कि वो वेव्स कितने हो रहे हैं, अगर वो ब्रिज थ्रू वो सी वाटर जा रहा है तो वो सब कुछ देखना है, ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेशर कितना है, वो सब कुछ चेक करते हैं एंड देन दे कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर और ब्रिज और एनी अदर थिंग, बिकॉज ये सब कुछ बनाने में, बड़ी बड़ी चीज बनाने में बहुत पैसे जाते हैं. तो इकोनॉमी यूज हो उसके पहले वो पूरा नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर पर्टिकुलर रीजन में कोई भी डिजास्टर हुआ तो क्या ये पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर है वो डिजास्टर को मैनेज कर पाएगा या नहीं. तो वो सब प्रेशर, वॉल्यूम, एयर प्रेशर, जितना भी विंड वेलोसिटी, वो सब काउंट करके, मेजर करके देन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज बिल्ड. तो ये हो गया एक डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ही होता है नोइंग द पर्टिकुलर डिजास्टर एंड ट्राइंग टू मेक थिंग्स विच कैन ओवरकम दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, ताकि इम्पैक्ट बहुत ही कम हो. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू मैनेज द डिजास्टर थ्रू साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. डेटा इज नथिंग बट ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करो, उसको समझो कि लास्ट टाइम जब डिजास्टर हुआ था तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कितना इम्पैक्ट हुआ था, कहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था. तो वो सब कुछ एनालाइज करके समझ के अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ये सब कुछ समझ के कंस्ट्रक्ट करना है. तो अगर फ्यूचर में फिर से हो तो इम्पैक्ट कम हो जाए. ओके, आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान, ये हुआ वही मॉक ड्रिल. प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, यू हैव प्रिवेंटिव मेजर, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. अब और एक चीज जो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पहले से ही रिहैबिलिटेशन सेंटर्स रखो, रेडी रखो. अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ, देर शुड बी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स रेडी, देर शुड बी वॉलंटियर्स रेडी, ताकि पीपल नो वेयर टू गो. अगर वो समझो रस्ते पे कहीं पे है, उनको ऐसा कुछ हुआ है तो उनको घर नहीं पहुंच पाते, तो एटलीस्ट दे कैन एंटर द रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड बी यू नो वहां पे आराम से रह सकते. अगर मैं मुंबई की बात करूँ, एवरी टाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि पानी इतना भर जाता है कि एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड, ट्रेन नहीं चलती. ओके, रोड्स तो पूरा रिवर की तरह ही हो जाता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच होम. So that time there are many temples and many other things jahan pe they open up for the people, even schools, government school, colleges open karte hain ki log wahan pe aaye, jo nazdeek jo apne ghar nahi pahunch sakte wo wahan pe aaye, wo wahan pe rahe. Okay, and jo temples aur sab kuch gurudwaras jo bhi hai wo they also provide food for the victims jo atak gaye, jo ghar nahi pahunch pa rahe, isko hi bolte hain rehabilitation centers. First, try to reduce the disaster. Second, अगर reduction नहीं हो रहा है disaster में, तो build certain, manage करके देखो. उसके लिए build rehabilitation centers and have connectivity and have the reconstruction management as well as. तो कैसे वैसे सब कुछ reconstruct करना है, वो सब कुछ आएगा इसके अंदर. ठीक है, सो ये हुआ अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट. अब डिजास्टर को मैनेज करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट वेज, यू हैव प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यू हैव पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. तो हम लोग पहले शुरू करेंगे विद प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर के पहले क्या होगा,
क्या करना है, कौन से मेजर्स लेने हैं, तो उसका पूरा पॉइंट है। हमने बहुत सारा पॉइंट्स वो डिस्कस कर लिया है, इसमें वो सब कुछ पॉइंट्स आएगा एक के बाद एक कि अगर कोई डिजास्टर हुआ तो उसके पहले, डिजास्टर के पहले व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू डू। सो इट्स अ शॉर्ट नोट विच दे एज दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और व्हाट शुड अ पर्सन डू बिफोर एनी डिजास्टर। सो लेट्स गो विद दैट पॉइंट। बाय द वे ये जो है दीज आर नथिंग बट द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहां पे लोगों को ट्रीट भी किया जाता है और फिर से उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। सो बिफोर डिजास्टर क्या किया जाए, इट इंक्लूड्स अ कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। इसके अंदर ही मॉक ड्रिल आएगा, तो हेंस आर्टिफिशियली एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो सेम डिजास्टर की जैसा ही होता है, एंड द पर्सन्स आर एंड द पीपल आर ट्रेन्ड इन दैट पर्टिकुलर मॉक ड्रिल इन दैट आर्टिफिशियल सिचुएशन दैट हाउ टू फेस द डिजास्टर एंड हाउ टू सेव गार्ड द लाइफ, हाउ टू सेव यू नो हाउ टू सेव आवर लाइफ्स इन शॉर्ट। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, कहाँ पे डिजास्टर होता है वो पहले आइडेंटिफाई करो। ओके, सेकेंड इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर। अगर मैं तुम्हारे एग्जाम्पल देती हूँ, वी हैव मेनी मैप्स, अगर तुम गूगल करोगे जस्ट राइट डाउन अर्थक्वेक प्रोन जोन्स इन इंडिया या फिर साइक्लोन प्रोन जोन्स इन इंडिया, देयर आई एम गोइंग टू शो यू थ्रू मैप्स कि कौन सा एरिया है जहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक होने का पॉसिबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज थ्रू सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दे हैव फाउंड आउट कि कहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा होता है वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आ सकता है और फ्रीक्वेंटली आ सकता है, और जो दूसरे एरियाज है ओके वहां पे अर्थक्वेक कभी आएगा भी नहीं, और अगर आएगा भी ना तो इतना मॉडरेट होगा कि हमें फील भी नहीं होगा। समझा? तो हेंस हाउ डू द पीपल कम टू नो अबाउट दिस, बाय स्टडिंग देम, बाय स्टडिंग द डेटा कि भाई ये कब हुआ, किधर हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ, ताकि फ्यूचर में फिर से सब कुछ प्लान, कोई डिजास्टर हो उसके पहले सब कुछ प्लान करने के लिए रेडी हो जाए सब कुछ। सो हेंस ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब वही होता है सिवियरिटी, कितना डैमेज हो सकता है, कितना डैमेज हुआ है पहले। ओके, एंड सिवियरिटी ऑफ द डिजास्टर इन विच एरियाज, इन द पर्टिकुलर एरियाज जहां पे वो ज्यादा होता है। हाउ डू यू फाइंड आउट दैट एरियाज? थ्रू मैप्स। ओके, तो यू हैव मैप्स विच गिव यू द डेटा कि वहां पे ज्यादा होता है। आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन मैप्स ओवर हियर, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस आर द टू मैप्स, पहले ये मैप को देखते हैं। दिस इज द अर्थक्वेक प्रोन जोन, लिखा है सीजमिक जोन्स इन इंडिया। सीजमिक सीस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, तो हेंस दिस इज द अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया विच यू कैन सी इन डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे देयर आर फोर जोन्स, जोन टू थ्री फोर फाइव, ये जो जोन्स है उसमें ब्लू से लेके रेड तक एज यू गो फ्रॉम अप टू डाउन सीवियरिटी बढ़ता है। मतलब जो रेड जोन है वो सबसे ज्यादा सीवियर जोन है, वहां पे सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है, आया है पास्ट में और बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है। ओके, और जो बाकी के जोन, ब्लू जोन जो है वो सबसे यू नो यू कैन से मिनिमम, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है जाता है समझ में भी नहीं आता, इट्स लाइक दैट। अगर आएगा भी तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा फर्नीचर हिलेगा और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इट विल नॉट कॉज एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। ओके, सो इफ यू कैन सी दिस एरिया, यहाँ पे ये सब हो जाता है ब्लू जोन जहां पे इतना डैमेज नहीं होता, ठीक है। देन कम्स अ येलो जोन जहां पे ब्लू से ज्यादा डैमेज होगा। ओके, तो दिस इज अ ब्लू जोन, द मुंबई कम्स इन द येलो जोन, तो इसमें भी इतना डैमेज नहीं होता अर्थक्वेक से, और उसका जो आना का जो इंटेंसिटी है, जो टाइमिंग है, वो भी बहुत रेयर होता है। देन यू हैव द ऑरेंज जोन जिसमें यू कैन फील अर्थक्वेक फील होता है, अच्छे से फील होता है, भले वो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा लेकिन अर्थक्वेक फील होता है। ओके, एंड देन कम्स द रेड जोन जहाँ पे अर्थक्वेक अच्छे से फील भी होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है यहाँ पे। तो जो बहुत पहले भुज में हुआ था, दिस इज द भुज एरिया, कच्छ एरिया, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक था, हाई इंटेंसिटी कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सेम यू कैन सी ऑल द कम्प्लीट नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, इट्स कम्प्लीटली अंडर द रेड जोन, तो यहाँ पे कभी भी हो सकता है अर्थक्वेक विद हाई इंटेंसिटी।
तो यहाँ के जो भी लोग हैं दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. अब समझ में आया, दे नो दैट यहाँ पे कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक. तो उनका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे बनाया गया है कि अगर अर्थक्वेक आए भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का तो उतना डैमेज ना हो, और यहाँ के जो लोग हैं इवन दे आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर अर्थक्वेक ताकि मिनिमम डैमेज हो. समझा? तो ये हुआ अर्थक्वेक प्रोन जोन्स. वैसे ही यू ऑल्सो हैव साइक्लोन प्रोन जोन्स. तो दिस मैप शोज द साइक्लोन प्रोन एरियाज जहाँ पे साइक्लोन कैन कॉज डैमेज. नाउ वी ऑल नो कि साइक्लोन जो है वो नॉर्मली विंड के वजह से होता है, एंड विंड सो यहाँ से जो भी तुम्हारा सी शोर वाला जो एरिया है, यू कैन सी नॉर्मली जो भी सी शोर वाला एरिया है, दीज आर प्रोन टू साइक्लोन्स. ओके, अब यहाँ पे भी यू हैव डिफरेंट कलर्स, तो उसमें भी अलग अलग सिवियरिटी होता है. साइक्लोन आता है कभी कभी, जैसा भी आया था और चला भी गया, कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं किया, कभी कभी आके बहुत इम्पैक्ट करता है, तो इट अगेन डिपेंड्स. तो हवे यर अगेन यू हैव अ स्केल. ओके, अगेन द रेड बिकम्स डेंजर का ही होता है, रेड रेड तो इट्स वेरी हाईली प्रोन एंड येल्लो इज लेस प्रोन, एंड देन यू हैव मिडल एरिया. तो अगर हम रेड की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल है उसके अंदर, देन यू हैव द साउथ आंध्र प्रदेश एंड ऑल, दीज आर हाईली प्रोन टू साइक्लोन्स. ओके, एंड देन इफ यू गो फॉर ग्रीन एंड ब्लू, तो वो सब यहाँ पे आता है गुजरात एंड महाराष्ट्र, विच आर मॉडरेटली प्रोन. ओके, ये सब इतने ज्यादा प्रोन नहीं है एज कम्पेयर टू द रेड वंस. सो दिस इज द डिफरेंट मैप्स. स्टडिंग द मैप्स, अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होता है, उस हिसाब से द पीपल ओवर देयर कैन बी रेडी फॉर एनी फ्यूचर कैलामिटीज. ओके, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड, गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट. अब समझ में आ गया है कि कहाँ पे हो सकता है, तो वहां के लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है. मे बी वहां पे स्कूल्स में थ्रू मास मीडिया अलग अलग तरीके से उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है टू बी वेल प्रिपेयर्ड. एंड देन यू हैव इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया एक्सेट्रा. तो ये सब हो गया प्री डिजास्टर. आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिजास्टर. पहले से रेडी रखना है खुद को, तो उसके लिए जो भी मॉक ड्रिल्स करना है, ट्रेनिंग सेशंस करना है, वो सब करते हैं. सेकेंडली, मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई ये टाइम पे हो सकता है, प्लीज अपने आप को घर पे रखो, बचा के रखो. तो ये सब हो जाता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. आई होप यहाँ तक क्लियर है. कंस्ट्रक्शन भी ऐसे करना है कि अगर डिजास्टर आए तो मिनिमम डैमेज हो. ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर पोस्ट डिजास्टर. जो डिजास्टर हो गया अब क्या करना है, तो उसके लिए यू हैव अगेन डिफरेंट पॉइंट्स पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. फर्स्ट, अच्छा बिफोर मी टेलिंग यू व्हाट विल बी द पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने इतना डिस्कस किया है तो यू ऑल्सो वुड बी नोइंग ना व्हाट आर द पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. कम ऑन, टेल मी क्या होगा पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. पोस्ट, नॉट प्री. एंड देख के मत बोलना, कम ऑन अपना ब्रेन यूज करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है, तो यू कैन थिंक एंड यू कैन गिव मी द आंसर. मैनेज करना है हमको आफ्टर डिजास्टर. ओके, फर्स्ट विल बी फर्स्ट एड, देन यू विल बी हैविंग रेस्क्यू ऑपरेशंस, वेरी गुड, रिकंस्ट्रक्शन. Good, I'm getting answers. Very good. So measures will be taken after disaster. उसमें क्या होगा, you help the victim, you find out who are the victim, उनको rehabilitation center में डालो. Policies निकालो, very important point. Several policies निकालो, future में ऐसा कुछ ना हो या फिर कम हो impact उसके लिए. Reconstruction of the houses, right? And mark the disaster prone areas, very good. And again to फर्स्ट एड जो भी है रिकंस्ट्रक्शन के पहले, यू हैव टू गिव द फर्स्ट एड टू द पीपल ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके. डॉक्टर्स का हेल्प, मेडिकल हेल्प, वो सब कुछ चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाता है द डिफरेंट यू कैन से पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. तो वही यहाँ पे दिया गया है. इफ आई गो फॉर द पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट वन विल बी प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू द विक्टिम्स. तो वही हो गया. ओके, खाना पीना रहना ये सब कुछ मेन होता है, कभी और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, यही तीन चाहिए मेन जो भी है वो. तो वो प्रोवाइड करो विक्टिम्स को. तो हैंड्स ओवर हियर यू हैव अ पिक्चर
तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि हेलीकॉप्टर से फूड लेके आया है और ये फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पास ऑन कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो ये एक टाइप का हेल्प ही हो गया ना, इट्स टाइप ऑफ हेल्पिंग द पीपल जिनको खाना नहीं है. ऑफकोर्स अभी वहाँ पे सब कुछ समझो कर फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फूड. तो थ्रू हेलीकॉप्टर्स और थ्रू डिफरेंट मेथड्स दे ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सेकेंड यू हैव इज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रेफरेबली लोकल पीपल. जितना लोकल पीपल हेल्प कर सकते हैं ना वो बेटर रहेगा, बिकॉज दे नो द एरिया. तो वो लोग फटाफट वहां से निकाल के उनको जहाँ पे भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं. तो ट्राई तो इवन लोकल पीपल शुड ट्राई टू हेल्प अलॉन्ग विद द अदर ऑफिशियल्स जो भी हेल्प कर रहे हैं वो. तो वो ज़्यादा बिकॉज दीज पीपल हैव लिव्ड इन दैट एरिया, दे नो द पर्टिकुलर रीजन वेरी क्लियरली, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दे नो दैट क्लियरली. ओके, सो पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द टू हेल्प द विक्टिम. जो डिजास्टर में उनको इतना डैमेज नहीं हुआ है, दे हैव नॉट बीन हर्ट दैट मच, वो लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं टू यू नो टू टेक देम टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर. तो जो विक्टिम्स है उनको हेल्प कौन कर सकता है, लोकल पीपल जिनको इतना डैमेज नहीं हुआ है. सो अदर देन यू नो सिटिंग एट होम, इट इज बेटर टू गो आउट एंड हेल्प दोज पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट और उनको ज्यादा डैमेज हुआ है, ताकि वो लोग भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा सके या फिर उनको खाना पीना जो भी है वो प्रोवाइड कर सके. इवन लोकल पीपल अगर उनका सब कुछ बराबर है, घर और सब कुछ, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो इवन दे कैन प्रोवाइड फूड एंड अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू द विक्टिम्स. ओके, थर्ड, क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर्स. तो यही हुआ, हेल्प सेंटर्स शुड बी रेडी. अगर ऐसा कुछ होता है तो बिकॉज देर आर मेनी पीपल जो अपने लव्ड वन से कनेक्शन में नहीं आते, तो वो यहीं पे जाएंगे टू सर्च देम, टू फाइंड देम, टू कॉन्टेक्ट देम. तो हेल्प सेंटर्स जो होते हैं, टू यू नो हेल्प सेंटर्स ऐसे होने चाहिए जो विक्टिम्स को ढूंढ सके, जो नहीं मिल रहा है उनको ढूंढ सके, ताकि कनेक्शन हो, कोई फैमिली मेंबर मिसिंग है तो उसको आराम से वो, तो ये सेंटर्स में जाके लोग इंक्वायरी कर सके कि वो क्या वो फैमिली मेंबर यहाँ पे है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो रेस्क्यू निकाले टू हेल्प टू रिलीव द यू नो टू रेस्क्यू द पर्टिकुलर पर्सन. तो वो हो जाता है हेल्प सेंटर्स. आफ्टर दैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर्स. ओके, तो वो डिपेंड करता है कौन सा इम्पैक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, अर्थक्वेक से हुआ है, साइक्लोन से हुआ है, या फिर सुनामी से, वट एवर अलग अलग रीजन से हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग कंट्रोल सेटअप होता है. वो पर्टिकुलर डिजास्टर के ऊपर डिपेंड करता है. आफ्टर दैट यू हैव कैटेगराइजेशन, ओके, ऑफ द मटीरियल विच इज रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेटअप. अभी बहुत सारा मटीरियल आता है, खाने का, रहने का, पीने का, सबका, बैंडेजेस, मेडिकल हेल्प, सब कुछ आता है. बहुत सारे अलग अलग थिंग्स चाहिए रहते हैं, वो तो सब आता है फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर. अब जो वो जहाँ जहाँ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो पहुंचा है उसको अच्छे से कैटेगराइज करना है, एंड देन नीडी पीपल भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट अगेन बिकम्स अ पोस्ट डिजास्टर थिंग मैनेजमेंट. ओके, सो कैटेगराइज द मटीरियल विच इज रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, एंड देन यू हैव टू डिलीवर द मटीरियल टू द विक्टिम्स. और उनको कंटिन्यूसली पूछना है तुम्हें और क्या चीज चाहिए, ताकि वो और मांग सके वहां से. तो ये मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो डिफिकल्ट हो जाता है इन हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज सबको सब चीजें मिलती नहीं है, इतना इजिली सब कुछ मिलता नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है. सेकेंड, पॉपुलेशन ज्यादा है, विक्टिम्स ज्यादा है, तो उनका नीड पूरा नहीं होता. तो ये अगर ज्यादा पॉपुलेशन होता है तो ये मैनेज करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, अ वेरी बिग यू कैन से प्रॉब्लम, विच अगर ये बराबर से हो गया देन मेनी लाइफ कैन बी सेव्ड इजीली. या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी वो इम्पैक्ट के थोड़े दिन के बाद पीपल डाई, बिकॉज उनको पर्टिकुलर जो भी चाहिए था रिहैबिलिटेशन पॉइंट, वो चाहे खाना हो पीना हो, वो नहीं मिला, एंड दे स्टार्व टू डेथ. तो ये कब होता है, इन एन एरिया विच हैज हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, विक्टिम्स बहुत ज्यादा है, और जो भी सप्लाईज हो रहे हैं वो सप्लाईज मीट नहीं हो रहा है टू द डिमांड. ओके, सो हैज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट, जो भी आ रहा है वहां से सप्लाई हो रहा है, कैटेगराइज करो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करो टू द विक्टिम्स, एंड अगेन आस्क द विक्टिम्स व्हाट दे वांट मोर, ताकि वो फिर से वहां से ले आए फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर. ओके, लास्ट यू हैव इज बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर रेस्क्यू. तो ये तो ऑफकोर्स एक बार पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डिजास्टर क्या है, उसके बाद द पर्सन कैन बी प्रिपेयर्ड. एंड अगेन अगर ऐसे फ्यूचर में ना हो वो डिजास्टर, उसके लिए ये सब पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है. ओके,
ठीक है, नाउ विल डू अ थिंग, विल गो बैक टू द क्वेश्चन आंसर राउंड. द लेक्चर इज ओनली टिल 8:30, आई सपोज यू नो दैट. तो विल गो बैक टू द क्वेश्चन आंसर राउंड एंड देन विल जो भी डाउट्स है वो सब सॉल्व करते हैं, देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. सो ओवर हियर दिस इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे लोग को, लोगों के थिंग्स को, सबको जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टॉप ओवर हियर. अगर हम बात करते हैं शेरनोबाइल का, तो उसमें जो इम्पैक्ट हुआ था वो अभी तक है. मतलब इट डज नॉट, ऐसा नहीं कि एक दो साल में वो रेडिएशन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा. रेडिएशन का इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है. ओके, एंड स्टिल द पीपल कैनॉट गो बैक टू देयर नॉर्मल होम. उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ ही दिया है अपना घर, वो ही समझ लो. एंड दे हैव नाउ स्टार्टेड लिविंग समवेयर एल्स, वहीं पर अपना घर बसा दिया है. तो ये जो रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो एक दो साल में कम हो जाएगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट बहुत साल तक रहता है. हाँ, धीरे धीरे कम होता है, लेकिन इट टेक्स लॉट अमाउंट ऑफ टाइम टू बिकम नॉर्मल. ओके, अगर मैं हार्मफुल केमिकल्स की बात करूँ ना, तो अगर तुम्हें पता हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये ना पहले यूज होता था एज अ कूलेंट रेफ्रिजरेटर्स में एंड एवरीथिंग. अब क्या है, इसको बैन कर दिया है बिकॉज इट इज कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन. बट एवरीवेयर ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सब जगह पे उन्होंने वो बैन का यूज किया है, कहीं कहीं पे वो स्टिल यूज होता है. तो हैंस वो ओजोन डिप्लीशन का और प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकते हैं. सो इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम टू ह्यूमंस ओनली. ओके, ऐसा ये एक है. उसके बाद यू हैव डिफरेंट अदर केमिकल्स जो अलग अलग जगह पे यूज होता है. जैसे यू हैव समथिंग कॉल एज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स. ये जो पीसीबी है ये भी टॉक्सिक होता है, और ये टॉक्सिक जो है ये अगेन इट कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो ये जो यूज, ये जो पीसीबी जो मैं बोल रही हूँ, दे आर वेरी वेरी हैजार्डस, जो अलग अलग गैसोलीन, एल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, ये सब में यूज होता है. एंड देन दीज कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू डिफरेंट वेज एंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो ये सब केमिकल्स को बैन किया गया है ताकि वो यूज ना हो. बट स्टिल इन डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज कहीं कहीं पे ये यूज होता है, अगेन कॉजिंग प्रॉब्लम्स. ओके, या रेडिएशन 24,000 ईयर्स तक भी वहाँ पे रह सकता है. इट्स एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टडी. तो 24,000, इसे मैंने बोला रेडिएशन का इम्पैक्ट सबसे गंदा वाला होता है, बिकॉज इट कॉजेज हाई अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम. और वी 24,000 लोग समझ लो कि वहाँ पे रहना ही नहीं है, वो लाइफ वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. तो पर्सन कैन नॉट स्टे ओवर देयर. ओके, इतना रेडिएशन डेंजरस है. हिरोशिमा नागासाकी में इट वॉज लाइक अ मैन मेड थिंग. अभी भी ऐसे केसेस आते हैं, इतना पुराना है ये. स्टिल देर आर पीपल जो, जिनको अफेक्ट हुआ था, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज होते हैं. इम्पैक्ट कम हो गया है बिकॉज ऑफ सो मेनी ईयर्स, बट स्टिल होता है. ओके, नाउ व्हाट इज कैंसर, वो कैसे होता है. एज आई टोल्ड यू, एज अ डीएनए जो होता है, ओके, उसको डिसरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो जो सेल में डीएनए का डिसरप्शन हुआ है, इट कैन कॉज सर्टेन
cell division. The cell does not know how to control itself. It continuously divide and divide and divide. और वो एक पूरा सेल का गुच्छा बन जाता है जो अननेसेसरी है, जो नहीं चाहिए बॉडी को, उसको बोलते हैं ट्यूमर. अब यही पूरे बॉडी में अगर कंटिन्यूसली होता है, अगर वो फैलता जाएगा तो उसको बोलते हैं कैंसर. तो कैंसर इज अ, यू कैन से, साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. अगर कोई रेडिएशन, समझो किसी के, कोई यू नो इफ समवन हैज एनकाउंटर रेडिएशन, अगर किसी के बॉडी में रेडिएशन आ गया है, अब्सॉर्ब हो चुका है, देन इट मे लीड टू कैंसर. अगर हम शेरनोबल का, एज वन समवन इज आस्किंग मी हाउ डज इट स्टार्ट, तो मैंने जैसे ही बोला, शेरनोबल जो था उसका मेन काम क्या था, इट वॉज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये क्या हुआ था उसका, दे हैव टू ट्राई इट आउट. ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, तो इसके लिए रिक्वायर स्किल्ड वन. देयर वर मेनी, उसके पहले भी बहुत सारा उन्होंने ट्राई किया था. अब ये जब उन्होंने ट्राई किया था, दैट वॉज अगेन 26 अप्रैल में हुआ था ये, जो रिएक्टर नंबर 4 था, द फोर्थ रिएक्टर जो था, उसमें फिर से उन्होंने ये ट्राई किया था अबाउट यूजिंग द एटॉमिक पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बट द थिंग वाज कि द पीपल ओवर देयर वर नॉट दैट इक्विप्ड, दे वर नॉट दैट, यू कैन से, यू नो, नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज. एंड देयर वाज अ टाइम गैप ऑल्सो. वो जो टाइम पे शुरू होना था वो टाइम पे नहीं हुआ, उसके वजह से जो वहां के जो भी लोग थे, they did not have that much of knowledge how to completely take care of the particular procedure. So because of that, it led to the heating of the nuclear reactor. Wo overheat ho gaya. Jaise hi wo overheat ho gaya, what happened was series of reaction hone lage, ek ke baad ek ke baad ek. And iske wajah se there was high amount of energy release, which led to a complete blast. तो ये जो हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. नाउ इफ यू नो वट इज अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, व्हेन अ न्यूक्लियर एलिमेंट, जैसे यूरेनियम, इट्स अ न्यूक्लियर एलिमेंट, जब वो बर्स्ट होता है उसमें से दो अलग एटम्स बनते हैं, जिसमें से और अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. वो न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम को तोड़ते हैं, उस वो भी टूटता है, उसमें से और न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो दूसरे यूरेनियम को तोड़ते हैं. दिस गोज ऑन एंड ऑन. तो जब कोई न्यूक्लियर एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, तो उसमें से एनर्जी निकलता है. ओके, तो ये एनर्जी जो है वो कैसे निकला, बिकॉज ऑफ चेन रिएक्शन. एक यूरेनियम टूटा, उसमें से एनर्जी निकला, बाद में वो एनर्जी का जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन दूसरे को तोड़ा, बाद में तीसरे को तोड़ा. तो ये जो एनर्जी बिल्डअप होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन. अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया, तो इट लीड्स टू अ ब्लास्ट, जो बॉम्ब ब्लास्ट में होता है. बॉम्ब ब्लास्ट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. इतना एनर्जी प्रोडक्शन होता है कि इट कंप्लीट लीड्स टू अ ब्लास्ट, एटॉमिक ब्लास्ट. ओके, बट इन द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, उसमें यू नीड टू हैव कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. मतलब द पर्सन हैव टू मेक सर्टेन रॉड्स, जो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर सके, ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी ना बने. तो वो कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए इक्विप पीपल चाहिए, जिनको आना चाहिए ये सब कुछ. अगर नहीं आता, तो इट लीड्स टू अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. इतना ज्यादा एनर्जी बन गया कि कंप्लीटली ब्लास्ट हो गया. ओके, या दे वर नॉट एडवांस एंड दे वर नॉट स्किल्ड पीपल, इन शॉर्ट. या बोरॉन एंड क्रिप्टॉन, वेरी गुड, इज द टू एटम्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यूरेनियम इज ब्रोक, इज कंप्लीटली, यू नो, बॉम्ब ब्लास्टेड, यू नो, इट इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बाय न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स हमें पता है क्या है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है. तो न्यूट्रॉन्स जो बॉम्बार्ड होते हैं on the uranium is split, it is called as nuclear fission. वो टूटता है into two small atoms, एक का नाम है boron, एक का नाम है krypton. साथ में energy भी बनता है, और साथ में और तीन neutrons बनते हैं. अब ये तीन neutrons और तीन uranium को तोड़ेंगे, और ये continue से चलता जाएगा. That is called as a nuclear chain reaction. उसमें जो energy बनता है, उसको control करना important है, या फिर can lead to a blast. इन शेरनोबिल देर वॉज नो कंट्रोल ऑन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. इलेक्ट्रिसिटी तो बना ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ. उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल नहीं रहा. जो वहां पे जो भी वर्कर्स थे, दे वर नॉट दैट स्किल्ड टू नो हाउ टू कंट्रोल द रिएक्टर, विच लेड टू सुपर हीटेड, यू कैन से, द रिएक्टर, एंड विच लेड टू कंप्लीट एक्सप्लोजन.
या यूरेनियम से ही बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों नए रिलीज होते हैं. ओके, बिकॉज वो एक न्यूक्लियर फिजन है. व्हेन द वर्ड कम्स न्यूक्लियर फिजन, इट मींस ब्रेकिंग डाउन, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर एलिमेंट. तो वो जब टूटता है यूरेनियम, तो उसमें से दो छोटे एटम्स बनते हैं, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन. साथ में न्यूट्रॉन भी बनते हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है. यही एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. और यही न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है इलेक्ट्रिसिटी. पर उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? कंट्रोल चेन रिएक्शन. अगर वो कंट्रोल नहीं रहा तो यही न्यूक्लियर एनर्जी पूरा ब्लास्ट होके फट सकता है और पूरे एरिया का पूरा डिजास्टर हो सकता है. ओके okay? ओके, नाउ इन योर, आई सपोज इतने ही, और कोई क्वेश्चंस नहीं है. भोपाल में इट वाज नॉट रेडिएशन, वो इंसेक्टिसाइड की वजह से हुआ था. इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन. हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर रेडिएशन था, भोपाल में नहीं था. आई टोल्ड यू लास्ट क्लास ओनली, इट वाज बिकॉज ऑफ एन इंसेक्टिसाइड जो एयर में लीक हो गया था. तो दैट इज डिफरेंट. ओके, सो आई सपोज यहाँ तक डाउट से सबको क्लियर हो गया है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, हम लोग ये चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, तो ये हो जाएगा. ओके, एंड आज मैंने जो पढ़ाया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है मैंने सबको बता दिया है, दैट इज प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, वो अच्छे से पढ़ना है. एंड द फेजेस जो है, तीन फेजेस वो करने हैं अच्छे से. प्रो डिजास्टर का मतलब, प्रो इज आफ्टर, प्री इज पहले. तो प्रो डिजास्टर का मतलब होता है डिजास्टर के बाद जो भी इम्पैक्ट होता है, हाउ टू मैनेज दैट. एंड प्री डिजास्टर मतलब डिजास्टर अभी तक हुआ नहीं है, उसके पहले ही कैसे रेडी होना है. ओके, सो ये तीन फेज अच्छे से करना है इसके अंदर, और उसके बाद तुम्हें ये जो प्रो एंड प्री डिजास्टर का मैनेजमेंट है वो खत्म करना है. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय एवरीवन.